चलो अच्छा हुआ बला टली। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी बेकार की चोचलीबाजी है ये, देख लो खाम खाम हो गई ना जगह साई। पूनम आपने गोलू को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था पूनम। अरे जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम उन पर चिल्लाते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब प्रियु गलती करती है तो ऋतु नहीं डांटती उसे, हद करते हैं जी आप भी। वीडियो कौन कौन बना के भेज सकता है, कौन कर सकता है ऐसा। ऐसा वही कर सकता है जो नहीं चाहता था कि गोलू इस घर में रुके, वही कर सकता है। पूनम ये वीडियो आपने तो नहीं भेजा। मैं क्यों करूंगी ऐसा भला, मतलब मैं अपनी ही वीडियो बनाऊंगी और उसे दे दूंगी इन लोगों को ताकि वो मुझे जेल भेज दें। ना जी ना, मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है। कल चिता दीदी, कल जो माजी की पड़ोस की सहेलियां आई थी, कहीं वो लोग तो नहीं, क्योंकि कल वो बहुत चिढ़ कर गई थी, उन्हें तो देखी नहीं गई होगी हमारी खुशी। नहीं नहीं वो नहीं हो सकते, उन लोगों को ये सब करके क्या मिलेगा। जिसने भी ये वीडियो बनाई है, जिसने भी गोलू के साथ ऐसा किया है, मैं उस बात की सच्चाई तक पहुंच के रहूंगी। इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। कचरा बना दिया था इस घर को, वो भी किसी और के बच्चे के लिए। गोलू गोलू बेटा, अपनी मम्मी के पास आ जाओ। नटखट गोलू, मुझे पता है तुम यहीं पे हो, मुझे परेशान कर रहे हो ना। तुम कमरे में छुपे हो ना गोलू। गोलू मुझे पता है आप कमरे में छुपे हो, है ना। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो, खोलो, देखो मम्मी बाहर वेट कर रही है। गोलू। मौसी मैंने झूठ नहीं कहा, मौसी मुझे डर लग रहा है। गोलू गोलू बेटा दरवाजा खोलो प्लीज, देखो मैं बाहर खड़ी हूँ ना। अच्छा गोलू कर, गोलू कहाँ है, गोलू गोलू कहाँ हो तुम, गोलू गोलू। दादी जी कहती थी 4 बजे का सपना हमेशा सच हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलू को मुझसे दूर करने के पीछे आंचल का हाथ। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा गोलू छिन गया, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ आंचल। मैं अभी के अभी तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बताने जा रही हूँ। रुचिता क्या हुआ, अभी 1 घंटे पहले तो तुम्हारी आंख लगी थी, इतनी जल्दी उठ क्यों गई तुम, क्या हुआ रुचिता। यार जी मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर रुचिता? यार जी हम बच्चा गोद भी नहीं ले सकते, मैं माँ भी नहीं बन सकती, फिर हमारा बच्चा कैसे होगा, कैसे मैं माँ, कैसे होगा यार जी हमारा बच्चा। रुचिता तुम बिल्कुल परेशान मत, तुम देखना हम आज नहीं तो कल जरूर माँ बाप बनेंगे। और तुम ही कहती हो ना कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हाँ, और परीक्षा के बाद हमें बहुत अच्छा एक मीठा फल देते हैं, तो बस उन पर भरोसा रखो ना जैसे हमेशा से रखती आई हो, और आगे भी सब उन्हीं पर छोड़ दो।
मुझे पता करना ही होगा कि गोलू आखिर उन शराबियों के पास पहुंचा कैसे और वो वीडियो अनाथ आश्रम वालों को किसने दी। हो ना हो ये खेल आंचल का ही होगा।